तो सब्स्टिट्यूट के अंदर क्या कर सकते हैं हम, अकरेंस जो होता है उसको छोड़ सकते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं, अगर जैसे जीरो फर्स्ट बार आया, फिर सेकंड बार आया, तो इसको बोलते हैं अकरेंस। दो बार आ रहा है तो दो बार अकरेंस है इसका। तो अब हम इस जीरो के स्थान पे कुछ डालना चाह रहे हैं, या सेकंड वाले जीरो के स्थान पे डालना चाह रहे हैं, या फिर दोनों के पे डालना चाह रहे हैं, वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं इसके लिए देखता हूँ, जो हमारा सेल है J5, तो सब्स्टिट्यूट J5 ऑल टेक्स्ट जो है इसमें से मैं सेल्स जो है उसको हटाना चाह रहा हूं। सेल्स SALES, सेल्स की जगह पे इसमें डालना चाह रहा हूं मैं न्यू टेक्स्ट कॉस्ट। अब यहाँ पे ये जो ये वाला जो ऑप्शन है लास्ट वाला कोमा के बाद, ये ऑप्शनल होता है, तो आप इसको लगाएं या नहीं लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी हम तो हाल फिलहाल के लिए इसको छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो सेल्स डाटा जो है उसका कॉस्ट डाटा में कन्वर्जन हो गया है, मतलब सेल्स वर्ड जो है वो कॉस्ट वर्ड से रिप्लेस हो गया। नेक्स्ट इसी का एक और एग्जाम्पल है सब्स्टिट्यूट, सेम चीज J6 लूंगा इस बार में। ओल्ड टेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है वन, या फिर मैं कह सकता हूँ मैं ले रहा हूँ जीरो। जीरो को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, जीरो को रिप्लेस कर रहा हूँ टू से, और ये भी उसका फर्स्ट अकरेंस, तो फर्स्ट लिख दिया मैंने इसके, इसका जो फर्स्ट अकरेंस है वो टू के बाद है। तो आप देख सकते हैं ये जो जीरो है फर्स्ट वाला, टू के बाद जो जीरो है वो हट चुका है और उसकी जगह पे टू आ गया है। इस तरह से इसके लिए बात करते हैं, तो सब्स्टिट्यूट J7 कोमा, अब ऑल टेक्स्ट इस बार मैं ले रहा हूँ वन, और न्यू टेक्स्ट इस बार दे रहा हूँ अगेन टू। और इस बार में जो वन है उसके थर्ड अकरेंस पे रिप्लेस करा रहा हूँ। तो थर्ड अकरेंस कौन सा है इसका, फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन। तो थर्ड वन पे जो इसका अकरेंस है वहाँ से वन हट के वहाँ पे टू हो जाएगा। ये देखिए 2011 जो था वो 2012 में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूट का इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड जो हम देखने जा रहे हैं वो है ट्रिम। ध्यान रखिएगा इक्वल टू लगाना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि इसकी डेफिनेशन में बताया जा रहा है, रिमूव्स ऑल स्पेसेस फ्रॉम टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट फॉर सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड्स। तो ये क्या करता है, जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है उसको हटा देता है। जैसे थोड़ी देर के लिए अगर मैं यहाँ पे एंट्री कराता हूँ एक टेक्स्ट, जैसे मैंने लिखा हेलो, मैंने यहाँ पे तीन चार स्पेस दे दिए, माई नेम, फिर स्पेस दिए इज सौरभ, और इसको मैंने क्लोज कर दिया है, एंड देन एंटर दबा रहा हूँ मैं। देखिए जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस थे सिंगल स्पेस के अलावा वो सब हट चुके हैं। तो हम इसका यूज़ जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं उनको हटाने के लिए करते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है ट्रिम। नेक्स्ट फंक्शन हम यूज करने वाले हैं फाइंड। रिटर्न द स्टार्टिंग पोजिशन ऑफ वन टेक्स्ट स्ट्रिंग विद इन अनदर टेक्स्ट स्ट्रिंग, फाइंड इन केस सेंसिटिव, इस केस सेंसिटिव है। तो यहाँ पे हम कोई भी स्ट्रिंग के अंदर या टेक्स्ट के अंदर एक
छोटा टेक्स्ट पता करना चाह रहे हैं तो उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए मैंने अभी जो बनाया है, हेलो माय नेम इज सौरभ, इसका मैं सेल एड्रेस ले लेता हूँ I2, और इसके अंदर से मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है माय MY, ठीक, एंड देन क्लोज। एरर आ गई है, आई थिंक सिंटेक्स में कुछ गलती है, देखते हैं। एक्चुअली जो टेक्स्ट मुझे फाइंड करना है वो पहले लगाना है, और जिसके अंदर फाइंड करना है वो बाद में लगाना है, तो यहाँ पे I2 में लिखूँगा। तो उसने मुझे बता दिया है कि माई जो है वो सेवंथ पोजीशन पे, सेवंथ पोजीशन किस तरह से, HELLO 5 एंड देन 6 एंड ये सेवंथ पोजीशन पे है, ठीक है। तो इस तरह सेवंथ नंबर का कैरेक्टर है MY माई, इसलिए इसने इसको जो रिजल्ट है इसका वो क्या बताया, सेवंथ, मतलब ये उसकी पोजीशन हमें रिटर्न कराएगा। नेक्स्ट जो है वो है कॉनकेटनेट, कॉनकेटनेट इक्वल टू लगाया कॉनकेटनेट टैब। अब जो है हम जिन दो वर्ड्स को हम आपस में मिलाना चाह रहे हैं, जैसे मैंने लिखा कविता है फर्स्ट वाले में A2 में, तो A2 में कविता है, कविता के साथ मैं जोड़ना चाह रहा हूँ शर्मा, ठीक। तो इस तरह से मैं उनको आपस में जोड़ दूंगा, तो एंटर दबाएंगे, ये कविता शर्मा ऐड हो गया है, लेकिन ये विदाउट स्पेस यूज हुआ है, तो चाहे तो आप यहाँ पे एक स्पेस दे सकते हैं या फिर एक एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं इस तरह से, और बीच में। तो स्पेस देने के लिए हमें डबल कोट का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया है अभी, और उस डबल कोट के बीच में हमें स्पेस देना पड़ेगा और दोनों आगे पीछे दोनों तरफ कोमा लगाना पड़ेगा, तो एंटर दबाएंगे। तो इस तरह से हम कितना भी कॉनकेटिनेशन कर सकते हैं कोमा लगा लगा के, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे मैं भी और कुछ लिखना चाह रहा हूँ, इज फिर कोमा लगाया माय फिर कोमा लगाया नेम एंड देन क्लोज। ध्यान रखिए अगर आप यहाँ पे कौन कोटेशन यूज कर रहे हैं, कोट्स यूज कर रहे हैं, डबल कोट्स, तो ओपनिंग के बाद क्लोजिंग जरूरी है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते आप, नहीं तो एरर आ जाएगी। देखिए ये सारे वर्ड्स आपस में जुड़ गए हैं, तो इसी को मैं अलग तरह से करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे लिखा कविता, अलग सेल में लिखता जा रहा हूँ माई नेम। तो अब मैं इस चीज़ को इस तरह से करूँगा कि यहाँ पे इन सब सेल्स के एड्रेस जो है वो मैं डालूँगा। तो मैंने लिखा G6 है ये, आई थिंक G6 कोमा H6 कोमा I6 कोमा J6 कोमा K6। ये जो रिजल्ट आया है वो एकदम सही है, बस अंतर इतना सा है कि यहाँ पे जो है स्पेस नहीं लिया है मैंने स्टार्टिंग में, तो आप यहाँ पे चाहें तो स्पेस इंसर्ट करा सकते हैं शुरुआत में, ताकि जो है वहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस आ जाए। ये देखिए स्पेस आ चुका है, कविता शर्मा के बीच में भी स्पेस प्रोवाइड कराते हैं, ये देखिए स्पेस आ गया है यहाँ। तो ये यूज़ है कॉनकेटिनेशन का। नेक्स्ट जो हम यूज करेंगे वो है केयर, CHARE CHARE देन इक्वल टू CHARE रिटर्न्स द कैरेक्टर स्पेसिफाइड बाय द कोड नंबर फ्रॉम सेट ऑफ कैरेक्टर सेट ऑफ योर कंप्यूटर। नंबर मैंने दिया 52 4 ओके।
यहाँ पे मैंने दिया 65 ए। बेसिकली ये जो है ये आस्की कोड की बात कर रहा है, तो जो आस्की कोड होता है उसके अंदर ए जो होता है वो 65 होता है, स्मॉल ए जो होता है वो होता है अपना आई थिंक 93 होता है या 91 होता है, तो ब्रैकेट आ गया है यहाँ तो सॉरी 97 होता है, तो यहाँ पर आपका स्मॉल आ गया है। तो ये कुछ नहीं है, नंबर जो है उसको उनके इक्वेलेंट आस्की कैरेक्टर जो है उसमें कन्वर्ट करके दे रहा है आपको।